खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो हमारे सुप्रीम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, विधानसभा चुनाव का भी आगाज जो हो चुका है उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है कि सही लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की है। कहीं ना कहीं जो भाग के गए हैं उनका वजूद आपने देख लिया होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी है, जो कहा है वो किया है। हमारी खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है लोकदल पार्टी जिला सोनीपत के अध्यक्ष सुरेंद्र चिकारा, उनसे हम जानते हैं। चिकारा साहब, विधानसभा चुनाव नजदीक लग चुका तो कैसी तैयारी चल रही है? विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। मैं परसों भी गन्नौर हल्के कम से कम एक दर्जन गाँव का दौरा करके आया हूँ। बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कल भी खरखोदा हल्के के 8 से 10 गाँव करके आए हैं। और कल ही राई रेस्ट हाउस में हमारे नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी आए थे और दिशा निर्देश दे के गए हैं कि 25 तारीख की रैली में बड़ा ज़ोर शोर से लोगों को पहुंचाने का काम करें। और स्वयं चौटाला साहब भी यहीं उपस्थित रहेंगे, जो हमारे सुप्रीम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। साथ साथ हम रैली की तैयारी भी कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव का भी आगाज जो हो चुका है उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। चौधरी देवीलाल की जयंती पर इनेलो द्वारा हमेशा रैली की जाती है और काफ़ी सफल रैली होती थी, क्योंकि यह परिवार में फूट होती है। अब क्या उम्मीद है कैथल में किस प्रकार की रैली इनेलो की तरफ से होगी? के सही लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की है। कहीं ना कहीं जो भाग के गए हैं उनका वजूद आपने देख लिया होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, वजूद ख़त्म हो गया है। और कोई दिन ऐसा नहीं जहाँ 8 से 10 आदमी रोजाना खिसक के कोई भारतीय जनता पार्टी में और कहीं ना कहीं उनका नहीं जा रहा हो। लेकिन हमारे जितने भी हैं वो चट्टान की तरह मजबूत हैं। पुराना आदमी जो भी है जिसकी देवीलाल की नीतियों में आस्था है वो आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है। बात की जाए देवीलाल परिवार की, दुष्यंत है या दिग्विजय नैना, वो कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल की नीतियों पर हम चल रहे हैं और चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है, तो पर इस प्रभाव नहीं पड़ेगा इस? वो जिन नीतियों की बात कर रहे हैं, नीतियों की बात आपने देख लिया होगा, जिस हिसाब से जींद का उपचुनाव हुआ, आज हमारी वो माता जी स्नेह लता जी चली गई, तो जिस हिसाब से उनके साथ इन्होंने बर्ताव किया, ना हॉस्पिटल में कोई जाके मिला, और जिस हिसाब से आज भी चौटाला साहब से ना किसी प्रकार की कोई माफ़ी ना मिलना, और जेल की पैरोल जिस हिसाब से रद्द करवाने का काम किया, तो आप समझ सकते हैं कि बुज़ुर्गों का और बड़ों का मान सम्मान कितना उनको करना आता है। ये आप मेरे से ज़्यादा पत्रकार महोदय भली भांति परिचित हैं। निश्चित रूप से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी हैं, जो कहा है वो किया है, और जिसकी हाँ भर ली किसी भी प्रकार की तो वो काम किया है। वो कभी भी झूठ की और बहकाने की राजनीति नहीं करते। निश्चित रूप से लोहपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भाई अभय सिंह चौटाला का नेतृत्व एक बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही एक दबंग जिसको कह सकते हैं, एक भौली कुशल नेतृत्व जिसको कहा जाए, वो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव कुछ और थे और विधानसभा का कुछ और है। जिस हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिवालिया पिट चुका है, कल परसों ही हमारे यहाँ जन अधिकार रैली थी, जो मनोहर लाल खट्टर जी आदरणीय मुख्यमंत्री जो यहाँ आए हुए थे उसके सामने एक अपना ओम प्रकाश जी ने जिस हिसाब से वो आत्मदाह करने की कोशिश की, पेट्रोल छिड़क के जिस हिसाब से उसको नौकरी की एक हामी भर के, तो ये इस बात से का परिचायक है कि लोग किस तरह से विचलित हैं। लोग आत्मदाह तभी करते हैं जब कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें और आकांक्षाओं पर वे लोग खरे नहीं उतरते। और जिस हिसाब से तहसीलदार का पर्चा आप देख सकते हैं, HCS का जो पीछे एग्जाम हुआ वो सारा लीक हुआ है, तो सरकार की पोल खोलने के लिए ये बहुत सारा काफ़ी है। और 154 वायदे इन्होंने किए थे, कहीं से कहीं तक भी वो खरे नहीं उतरे, तो लोकबाग इस बात का सबक सिखाएगी और निश्चित रूप से चौंकाने वाले परिणाम आने वाले विधानसभा में रहेंगे। जिकर साहब, अभी आपने स्नेह लता जी की बात की, तो जो देवीलाल परिवार में भी काफ़ी सम्मानी है प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, उन्होंने एक अपील की थी चौटाला परिवार से एक होकर चुनाव लड़ने की, तो कहीं ना कहीं दूसरी पक्ष की तरफ से एक आवाज़ आ रही है आपका आपकी पार्टी है जो इनेलो है वो इस मामले में सीरियस नहीं है? नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सदैव बुज़ुर्गों का मान सम्मान किया है और उन्होंने वहाँ भी खड़ा होकर कहा कि जो प्रकाश सिंह बादल जी हमारे परिवार के मुखिया हैं वो जो कहेंगे हम उस बात पे फूल चढ़ाएंगे और जैसा वो कहें उस हर तरह से हर कुर्बानी देने के लिए तैयार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। बाकी कोई दूसरा ना माने तो इसमें फिर चौधरी अभय सिंह जी कैसे क्या कर सकते हैं? कौन दूसरे, कौन लोग नहीं माने दूसरे जो ये इंडियन नेशनल लोकदल से भाग के गए हैं?
तो उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है। निश्चित रूप से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी को ऐसे ही कोई ठप्पा नहीं लग जाता, ऐसे उसको संज्ञा नहीं दी जाती। निश्चित रूप से वो जो कहते हैं वो करते हैं और बुजुर्गों का मान सम्मान करने में उन्होंने कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, चाहे माता जी का रहा हो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का हो और आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी का। तो आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि जब ये परिवार टूटा तो कितनी बार चौधरी प्रकाश सिंह सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने अजय सिंह चौटाला जी को वहाँ बुलाने का प्रयास किया चंडीगढ़, लेकिन वो एक बार भी नहीं गए। तो इस बात से आप अच्छे समझ सकते हैं कि गलती और कमी किसकी। ये थे हमारे साथ जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चिका, जिनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग थे, विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग है और विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेगी। केएनएन मीडिया के लिए सोनीपत से राजेंद्र कुमार के साथ अरुण दून की रिपोर्ट।